An amplitude modulated wave is represented by the expression Vm is equal to 5 1 plus 0.6 cos of 6280 t into sine of 211 into 10 to the power 4 t volts, right? The minimum and maximum amplitude of the modulated wave are respectively. तो देखो सिंपल क्या करना है आपको, ये जो एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव का इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी एम इज इक्वल टू ए सी इंटू वन प्लस म्यू कॉस ऑफ टू पाई एफ एम टी इंटू साइन ऑफ टू पाई एफ सी टी, राइट. तो यहाँ से देखो क्या समझ में आ रहा है कि ए सी का वैल्यू कितना है, 5 है. म्यू का वैल्यू कितना है, 0.6 है. तो इससे हमें ए एम का वैल्यू मिलेगा क्योंकि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ए एम बाय ए सी होता है. तो ए एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू इंटू ए सी, तो विच इज़ इक्वल टू 0.6 इंटू 5, तो ये कितना होगा, 3 आ जाएगा. तो ए एम का वैल्यू मिला, ए सी का वैल्यू मिला. अभी हमारे पास फार्मूला है कि ए सी जो होता है, देखो ए सी का वैल्यू क्या होता है, ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, राइट. एंड ए एम का भी फार्मूला है हमारे पास. ए एम का फार्मूला क्या होता है, ए एम इज इक्वल टू ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाय 2. तो ये दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम लोग. ए सी कितना है आपके पास, 5, तो 5 इंटू 2 इज 10. 10 इज इक्वल टू ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम. एंड ए एम कितना है, 3. 3 इंटू 2 इज 6. 6 इज इक्वल टू ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम. तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन को अभी ऐड करो. ऐड करोगे तो ये आपका ए मिनिमम कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, इधर आएगा 16 और ये होगा 2 टाइम्स ऑफ ए मैक्सिमम. तो ए मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा 8. कितना होगा, 8 होगा, राइट. तो ये आ गया आपका ए मैक्सिमम का वैल्यू. तो 8 कोई है क्या ऑप्शन, मिनिमम एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम 8 है, 8 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो दो ऑप्शन है. मिनिमम भी निकालेंगे, इसको क्या करो, पुट करो कहाँ पर, इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1. तो 10 इज इक्वल टू 8 प्लस ए मिनिमम, मतलब ए मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो 2.8 इज़ योर आंसर. 2.8 मतलब ऑप्शन सी इज़ योर आंसर, राइट.